और यहाँ पे बहुत ढेर सारा रश है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, विजिट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं हम लोग ने क्या क्या इंजॉय किया। जैसा कि हम लोग गोदौलिया चौराहे पे आए हैं तो सबसे पहली नज़र ये मेरा बैग पे पड़ा है। ऑनलाइन मार्केट में इस टाइम इस टाइप की बैग बहुत ट्रेंडिंग में है, तो यहाँ पे आपको अवेलेबल हो सकता है मे बी 300 to 400 के बीच के प्राइस में। आप लोग आएँ और बार्गेनिंग करा के यहाँ से खरीद सकते हैं। तो आज हम लोग सुमेध घाट आ चुके हैं और ये रही आस्था और प्लस हमारा ये घर। टारगेट है वो है कि दशाश्वमेध घाट से हम नमो घाट तक पैदल जाएंगे, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है जाने में। और तो अभी हम ललिता घाट आ चुके हैं और इधर बहुत ज्यादा रश है और ये अभी इधर। तो दशाश्वमेध घाट से चल करके हम ललिता घाट पे आ चुके हैं और अभी हम जाएंगे नमो घाट पे, हमारा टारगेट यही है। तो देखते हैं कितना टाइम तक पहुँचते हैं और ललिता घाट का व्यू कुछ ऐसा है, बहुत ज्यादा ही सुंदर है। जैसा कि हम लोग ललिता घाट पे दशाश्वमेध घाट से चलते चलते आ गए हैं, इसके आगे वाले घाट पे हम लोग का काशी विश्वनाथ का एक बहुत बड़ा सा कॉरिडोर बना है, यहाँ से जाने का भी एक गेट है। यहाँ पे डायरेक्ट श्रद्धालु लोग क्या करते हैं, नहा के यहाँ से डायरेक्ट दर्शन करने जा सकते हैं और उसके ठीक बाद आपका मणिकर्णिका घाट पड़ेगा। और ये है मणिकर्णिका घाट, यहाँ आने के बाद पता चलता है कि सत्य क्या है। अब हम लोग दशाश्वमेध घाट से आगे चलते चलते मणिकर्णिका घाट में आ गए और हम लोग थोड़ा रुक रुक के चल रहे हैं और थोड़े थोड़े क्लिपिंग साथ में बनाते हुए चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। और अब आगे आगे हम लोग चलते आगे आगे आपको शेयर करते हैं। दशाश्वमेध घाट से होते होते अब हम लोग गंगा महल घाट पे आ चुके हैं और बीच बीच में हम लोग ने क्लिपिंग में आपको ये बताया है, मेंशन किया है कि हम लोग कौन कौन से घाट से होते हुए आ रहे हैं और अभी आगे भी दिखाते चलेंगे और आप हमारे साथ चलते रहिए। तो अब हम चलते हुए गणेश घाट के पास आ चुके हैं और अभी हमें बहुत चलना है, तो बस इसलिए हम ज़्यादा क्लिप ऐड नहीं कर रहे हैं, बस थोड़े थोड़े क्लिप करके ऐड करते जा रहे हैं, आपको दिखाते जा रहे हैं। तो हम लोग चलते चलते धीरे धीरे कहाँ पहुँचे हैं अंशिका? राम घाट के पास आ। हाँ, और अभी हम आगे चल गए। अंशिका बेचारी का लग रहा है एनर्जी पूरा डल हो गया। अच्छा, है मेरे फेस बीच तो में लग रहा है। बीच में मैं इसको ग्लूकोज कुछ पिलाती हूँ, मिलता है तो। तो चलते हुए अब हम आ गए हैं बिंदु पर कोटा घाट और अब इसके आगे बहुत आ चल रहा है और मैं यहाँ पे स्वीट कैंडी लेके पूरे रिव्यू थोड़ा सा एनर्जी आ जाए इसे खा के। फिलहाल हमें बोला गया कि और टाइम लगेगा तो हमें जल्दी जल्दी चलना चाहिए। तो हम आ चुके हैं नंदेश्वर घाट और ये है और यहाँ बहुत ही खाली जगह है, बिल्कुल भी रश नहीं है इधर। तो फाइनली हम आ चुके हैं ब्रॉक्स पुल के पास और ये आस्था जा रही है, थोड़ा सा और डिस्टेंस है जो हमें कवर करना है तो भाग तो जो थोड़ा सा और डिस्टेंस है जो हमें कवर करना है वो हमारा नमो घाट है पुल के उस साइड, और बहुत थक चुके हैं। तो अब हम प्रहलाद घाट आ चुके हैं और बस थोड़ा सा और रास्ता रह गया है, फाइनली हम अपने दशाश्वमेध घाट से यहाँ तक आ चुके हैं और जल्द ही बस 2 मिनट की दूरी पे हम नमो घाट में पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे इतना अच्छे से इन्होंने इसको बनाया हुआ है, और ये पूरा डेवलपमेंट हो चुका है। और ये खिड़कियाँ घाट है ना आस्था, आई थिंक ये खिड़कियाँ घाट है। तो ये रैली स्टार्ट हो गई है, पूरे बोटों की रैली चल रही है पूरे दूर तक, देख रही हम 2 से 2 तक शाम में। हम लोग जस्ट प्लानिंग के अकॉर्डिंग आए थे, वो तो हो नहीं पाया, बट हम लोग का प्लान एक दूसरा बन गया कि हम लोग आज आपको गंगा आरती दिखाएंगे और जो विश्वनाथ टेम्पल विजिट करने का एक कॉरिडोर वाला रास्ता बना है मणिकर्णिका के बगल में, उसे भी हम लोग आपको विजिट करेंगे।
अब हम लोग बाकी घाटों पे विजिट करके आ गए हैं। तो अब हम लोग कॉरिडोर को जो न्यू वाला बना है मनकनका के बगल में, हम लोग इसको विजिट करते हैं। बाकी घाटों को विजिट करके उधर से वापसी में आए हैं, तो अब हम लोग इसको थोड़ा विजिट करके आप लोग को दिखाएंगे कि इसमें चीज़ें हैं क्या और कैसे, जो लोग जाना चाहते हैं इसमें जाए इस साइड से भी। हम लोग ने यहाँ विजिट कर लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा वॉल्स पे एक आपको रिफ्लेक्शन टाइप दिखाई देगा जो कि त्रिम्बकेश्वर जी का है एक, और एक किस भगवान का है मुझे नहीं पता। और फिर हम लोग ने आपको इधर दिखा दिया है कि इधर की चीज़ें कैसे हैं, कैसे आना है। अब हम लोग यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं और अब हम लोग दशाश्वमेध घाट की साइड पर जाएंगे क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग को आरती देखनी है। सो बाय एंड टेक केयर। घर की ओर जा रहे हैं बहुत जल्दी में क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा गंगा आरती छुट्टी के बाद इतनी ज़्यादा रश हो जाती है कि हम लोग यहाँ से जल्दी निकल नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग 10 मिनट पहले ही निकल गए। बाय, टेक केयर।